आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। सुप्रिया सुले ने की चुनाव आयोग से अपील, बोली भ्रम से बचने के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करने में बरतें सावधानी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अजीत पवार खेमे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। सोमवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए सुले ने कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान आवंटित किए गए भ्रमित चुनाव चिन्हों के बारे में चिंताओं को दूर करने का अनुरोध किया। बारामती से लोकसभा सदस्य ने कहा कि रांकपा ने ईवीएम पर तुरही और तुरही बजाता हुआ आदमी जैसे समान चुनाव चिन्हों का मुद्दा उठाया। सुले ने कहा, इन प्रतीकों का पार्टी पर नकारात्मक असर पड़ा। नतीजतन हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टियों और उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करने में अधिक सावधानी बरतें ताकि भ्रम और प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके। अक्टूबर में होंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। पिछले साल जुलाई में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो तिहाई से अधिक विधायकों के समर्थन का हवाला देते हुए घड़ी चुनाव चिन्ह के साथ साथ रांकपा के नाम पर भी दावा किया था। बाद में चुनाव आयोग ने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी सपा को तुरही बजाता हुआ आदमी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह और एक स्वतंत्र उम्मीदवार जिसका चुनाव चिन्ह तुतारी यानी तुरही था के बीच समानता के कारण मतदाता भ्रमित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप सतारा संसदीय क्षेत्र में उनकी पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 12 जुलाई को होने वाले 11 सीटों के चुनाव के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वरिष्ठ नेताओं के सामने महाविकास अघाड़ी या दोनों दलों के वोटों का मिलान करके अपने उम्मीदवारों का चयन करने की एक बड़ी चुनौती है। आखिर वोटों का मिलान कैसे होगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, निर्दलीय विधायकों की वास्तविक भूमिका क्या है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इसलिए वोटों के बंटवारे से बचने के लिए कुछ पार्टियां अपने विधायकों के होटलों में रखने जा रही हैं। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।